सो गाइस फ्लाई एश के बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉल्यूशन रिलेटेड जो इश्यूज आएंगे तो उसमें फ्लाई एश का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और आज की डेट में फ्लाई एश के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो एक चीज तो क्लियर है कि फ्लाई एश जो है वो क्या है, पॉल्यूटेंट है। तो आपसे मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इस पॉल्यूटेंट को आप कैसे इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो, फ्लाई एश को जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो ये चीज जो है वो आपसे पूछी जाएगी, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं आपको बता दूं ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डिसाइड किया कि 8 केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं फ्लाई एश मैनेजमेंट और एक्सीडेंट से रिलेटेड, जो कि 2013 और 2020 के बीच में फाइल हुआ है 8 केसेस। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का कहना यह है कि इन 8 केसेस को जो है वो क्लब कर दो, राइट, यानी कि इनकी सुनवाई जो है वो एक साथ की जाएगी 8 केसेस की, क्योंकि एक जैसे केस हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में आया। तो आपको बता दूंगा इसमें कि फ्लाई एश का मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन मिशन क्या है। तो मेन फोकस रखा गया है कि जितने भी इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं फ्लाई एश की हैंडलिंग और डिस्पोजल से रिलेटेड, कि फ्लाई एश को हम कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएंगे और कहां पर उसको सेफली डिस्पोज करेंगे, तो इस चीज की मॉनिटरिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ट्राइब्यूनल ने डायरेक्शन दिया है कि ये मिशन जो है वो ये दो स्टेट जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो शुरू करें। और इस मिशन के लिए जो सेक्रेटरीज हम लोग को एनवायरमेंट, कोल एंड पावर मिनिस्ट्रीज के देखने को मिलते हैं, इवन जो चीफ सेक्रेटरीज हैं दोनों स्टेट्स के, वो भी शामिल हों और एग्रेसिवली इस मिशन पर जो है वो काम करें, जिससे कि फ्लाई एश पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व की जाए। मिशन के अंदर मेन फोकस ये रखा गया कि पहले तो आप एक्शन प्लान जो है वो तैयार करो। और एक्शन प्लान किस चीज के ऊपर आधारित हो गया, वेरियस कमिटीज जो है उनकी रिपोर्ट के ऊपर आधारित होगा, उनकी जांच के ऊपर आधारित होगा कि वेरियस कमिटीज पहले चेक करें और बताएं कि फ्लाई एश को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से फ्लाई एश का अल्टरनेटिव उपयोग जो है वो कर सकते हैं, कहां पर से उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो पहले वो प्रॉपर अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करें जांच करने के बाद, और फिर इस रिपोर्ट के आधार पर आप एक एक्शन प्लान जो है वो तैयार करो। इसके अंदर आपको जो बिग गैप है, बड़े बड़े जो इश्यूज है, जैसे कि कहां पर इसको स्टोर करना है, कहां पर कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे आप फ्लाई एश को यूटिलाइज करोगे, ये सब चीजें आपको इसमें शामिल करनी है एक्शन प्लान में। और मिशन को फाइनेंस किया जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत। इवन ये मिशन जो है वो एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन एंड कंपनसेशन फंड, जो कि अफेक्टेड लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए अवेलेबल जो फंड हम लोग को देखने को मिलता है, उसके तौर पर भी यूज में लाया जाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी फ्लाई एश क्या है तो इससे रिलेटेड फैक्ट जानो। तो ये फ्ल्यू एश या फिर पल्वराइज फ्यूल एश भी इसे कहा जाता है। ये कोल कंबशन प्रोडक्ट है, जब कोयला जब जल जाता है तो उसमें राख जो बच जाती है ना, वही है ये एश, फ्लाई एश। और ये राख जो है वो इवन 100 किलोमीटर तक जो है वो ट्रेवल करने की क्षमता रखती है। इसमें पार्टिकुलेट्स होते हैं, काफी हार्मफुल, काफी टॉक्सिक कंपोनेंट्स इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये कोयला जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इस कोयले का कंपोजिशन क्या है, जब कोयला जलता है ना तो वो ये कितना पॉल्यूटेड होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो कोयला कहाँ का है, राइट। और इसके अलावा सभी के सभी फ्लाई एश के अंदर हालांकि हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत अच्छी खासी मात्रा में हम लोग को क्या चीज नजर आती है, सिलिकन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि मेन मिनरल कंपाउंड हम लोग को कोल बियरिंग रॉक्स स्ट्रेटा के देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी रॉक्स होते हैं जिसके जैसे कोयला बनता है तो उसमें ये तीन एलिमेंट्स तो हम लोग को नजर आते ही हैं। फिर माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं इसके, वो आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरॉन, कैडमियम, क्रोमियम, राइट, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, कोबोल्ट, लेड, मैग्नीज, मर्कुरी, मोलिब्डेनम और सेलेनियम, स्ट्रोंटियम, थैलियम और वेनेडियम, और भी काफी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में डाइऑक्सिन्स, पीएएच कंपाउंड, तो ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। और इसमें अनबर्न कार्बन भी होते हैं जो पूरी तरह से जले नहीं होते, और हेल्थ और एनवायरनमेंट पर इस पर क्या नुकसान पहुंचता है, क्या खतरा होता है, तो टॉक्सिक हैवी मेटल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि फ्लाई एश, निकल, कैडमियम, फ्लाई एश में जो होते हैं निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड, तो ये सब टॉक्सिक नेचर के, जहरीले नेचर के पदार्थ ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। और हालांकि ये माइन्यूट होते हैं, कम होते हैं, बट होता क्या है कि धीरे धीरे करके जब ये हमारी बॉडी के अंदर जब कंटिन्यूस एंटर करते रहते हैं तो ये एक भारी मात्रा में अंदर डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये होते तो इन सब
मतलब फ्लाई ऐश के अंदर कम क्वांटिटी में, बट जब ह्यूमन जब ज्यादातर कॉन्टेक्ट में रहता है ये फ्लाई ऐश के, तो कुछ समय बाद उसके उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, लंग से रिलेटेड उसको इश्यूज, फेफड़ों से रिलेटेड उसको सांस लेने में परेशानी होती है, ऐसी कुछ इश्यूज है वो उसको होने लगते हैं लगातार, इवन कैंसर तक की प्रॉब्लम जो है वो लोगों में होती है इन पॉल्यूटेंट्स के चलते, इस पार्टिकुलेट मैटर के चलते है। इसमें रेडिएशन की बात करें तो उसमें सबसे सीरियस बात यह है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है ना, वो जो रेडिएशन रिलीज करता है उससे 100 times ज्यादा रेडिएशन जो है वो फ्लाई ऐश जनरेट करती है। तो ये सबसे खतरनाक बात है, सबसे खतरनाक बात। और वाटर पॉल्यूशन तो आपको पता ही गाइस कि जहां पर भी ये राख को अगर आप पानी में डाल दोगे या पानी में डल जाएगी राख, तो पानी को तो खराब कर ही देगी, और पानी को खराब करना मतलब साफ साफ ये कि ड्रिंकिंग जो वाटर जो है उसकी समस्या और बढ़ जाना, एक्यूटिक लाइफ जो है, एक्यूटिक स्पीसीज जो है उनको प्रॉब्लम जो है वो और हो जाना, राइट। एनवायरमेंट पर इस पर इफेक्ट किस प्रकार से पड़ता है, तो मैंग्रोव जो होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्रॉप ईल्ड जो होती है, खेती वगैरह जो होती है वो नष्ट हो जाती है, राइट। और इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर जो हम लोग को देखने को मिलता है वो पल्यूट हो जाता है, हम लोग को इवन रन ऑफ कच्छ में ये केस जो है ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, राइट। बट आप फ्लाई ऐश का उपयोग भी जो है वो कर सकते हो काफी तरीकों से, जैसे कॉन्क्रीट प्रोडक्शन के दौरान, मतलब कि जो ठोस जो होता है ना, जैसे कि आप अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो कंक्रीट जो आप तैयार कर रहे हो, एक दीवार वगैरह जो आप तैयार कर रहे हो, स्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हो, तो उसमें फ्लाई ऐश का उपयोग आप कर सकते हो। सीमेंट का इसको अल्टरनेटिव भी कई बार जो है वो कहा जाता है, और जैसे कंक्रीट मिक्सचर जो होता है जब आप तैयार करते हो पूरा जो होता है ना कि गिट्टी वगैरह रेत वगैरह डालकर जो मिक्सचर जो तैयार होता है कॉन्क्रीट का ठोस का, तो उसमें आप इसका जो है वो उपयोग कर सकते हो। कई बार इसका उपयोग चिपकाने के पर्पज के लिए भी किया जाता है, जमीन को स्टेबलाइज करने के पर्पज के लिए भी जो है वो किया जाता है, राइट। कई बार जैसे गड्ढे वगैरह जो है उसको अगर आपको फिल करना है तो उस पर्पस के लिए भी आप कर सकते हो, रोड के सबवेज कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप कर सकते हो, एग्रीकल्चर में भी फर्टिलाइजर, कैटल फीडर, सॉइल स्टेबलाइजेशन, इन सब चीजों में भी इसका उपयोग हो सकता है। कई बार जो बर्फ जो होती है, आइस वगैरह जो होती है, उसको मेल्ट करने के लिए आप जो है वो इसको उपयोग कर सकते हो, राइट। तो इसके काफी सारे उपयोग हम लोग को देखने को मिलते हैं फ्लाई ऐश के, जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट 4-5 पॉइंट सभी चीज के आपको पता होने चाहिए, इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, राइट। तो ऐसी 4-5 चीजें बस ध्यान में रखो आप, राइट। और फ्लाई ऐश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो मैंने भी आपको बताए।